नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बिहार में आज से शराबबंदी लागू। बिहार राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश में शराबबंदी को मंजूरी दिए जाने तथा इसको लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बाद प्रदेश में मध्य रात्रि से शराबबंदी लागू हो गई है। बिहार उत्पाद विधेयक 2016 के तहत प्रथम चरण में 1 अप्रैल से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में देशी एवं मसालेदार और भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किए जाने के साथ ही वहाँ पूर्ण शराबबंदी लागू हो गई। भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किए जाने के साथ वहाँ पूर्ण शराबबंदी लागू हो गई। इस कानून के तहत अन्य सजा के प्रावधानों के अतिरिक्त शहरी इलाकों में जहाँ भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिक्री की जाएगी, वहीं किसी के द्वारा विहित मात्रा में अधिक शराब का संग्रह रखने या क्रय करने एवं अवैध उत्पादन एवं बिक्री करने पर 8 से 10 साल तक के कारावास की सजा तथा 1 से 10 लाख रुपए का अर्थदंड दिया जाएगा। मोदी ने कहा, उनका आतंकी मेरा आतंकी नहीं, ये धारणा त्याग दे। अमेरिका में चल रहे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि यह धारणा छोड़ दीजिए कि उनका आतंकी मेरा आतंकी नहीं है। आतंकवाद का वैश्विक नेटवर्क है, लेकिन अब भी हम इस खतरे से निपटने के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही प्रयास कर रहे हैं। 50 देशों के प्रतिनिधियों की शिखर वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद के उन 3 समकालीन पहलुओं को रेखांकित किया। पहला यह कि आतंकवाद चरमपंथी हिंसा का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र की तरह करता है। दूसरा, अब हम किसी गुफा में छिपे आदमी की तलाश नहीं कर रहे, अब हम उस आतंकी की तलाश में हैं जो शहर में मौजूद है और जिसके पास एक कंप्यूटर और स्मार्टफोन है। और तीसरा, परमाणु तस्करों और आतंकियों के साथ मिलकर काम करने वाले सरकारी तत्व सबसे बड़ा खतरा पैदा करते हैं। मोदी ने कहा कि आतंकी 21वीं सदी की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा, आतंकवाद का नेटवर्क वैश्विक तौर पर मौजूद है, लेकिन हम इस खतरे से निपटने के लिए अब भी राष्ट्रीय तौर पर ही काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी देशों को एकजुट होना होगा। भारत माता की जय के खिलाफ दारुल उलम का फतवा। इस्लामिक तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलम ने भारत माता की जय बोलने के मसले पर फतवा जारी किया। दारुल उलम के मुफ्ती एक आरम की खंडपीठ ने कहा कि तर्कों के आधार पर एक इंसान ही दूसरे इंसान को जन्म दे सकता है और भारत की जमीन को माता बनाना तर्कों से उलट है। मुसलमानों को इस नारे से खुद को अलग कर लेना चाहिए। भारत माता की जय न बोलने संबंधी विषय पर देश भर में छिड़ी बहस पर दारुल उलम का रुख जानने को हजारों खत आए। इन खतों का जवाब देने के लिए ही उन्होंने मुफ्ती एक आरम की खंडपीठ गठित की। खंडपीठ ने कहा कि इससे पूर्व भी वंदे मातरम को लेकर विवाद खड़ा किया गया था। मुफ्ती अकराम ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि भारत हमारा वतन है। सबकी तरह हर मुसलमान मुल्क से मोहब्बत करता है, मगर मुल्क की पूजा नहीं कर सकते। मुफ्ती अकराम ने फतवे में दो टुक कहा कि हिंदुस्तान के संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने मजहब और उसके अकीदे के हिसाब से जीवन जीने का हक है।